दिल्ली के रामलीला में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल लोगों को बताया राम राज्य का क्या होता है मतलब। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला में शरीक होने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की सेवा करने के लिए राम राज्य के सिद्धांतों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बच्चे को अशिक्षित और नहीं रहना चाहिए, ना ही पैसे की कमी के कारण किसी को भी स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को मयूर विहार में आयोजित रामलीला में शरीफ हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए राम राज्य के सिद्धांतों पर चल रही है, भगवान राम के जीवन से ले प्रेरणा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के न्याय, समानता और सेवा के आदर्शों का सभी का अनुकरण करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जो भारतीय और हिंदू सांस्कृतिक के सार को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को यह सांस्कृतिक विरासत सौंपे और सुनिश्चित करें कि वे रामलीला जैसे कार्यक्रम देखें। केजरीवाल इन बातों पर देते आए हैं जोर। अरविंद केजरीवाल हमेशा से लोगों की जरूरत को पूरा करने पर जोर देते आए हैं। इस बात की झलक दिल्ली सरकार के अब तक के बजट में दिखाई देती है। उनके बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन और लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा रहता है।